हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज का वीडियो का टॉपिक है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। व्हाट इज रेक्टिफिकेशन? तो रेक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट एसी सप्लाई इनटू द डीसी सप्लाई। सो यहाँ पर द डीसी लेवल ऑब्टेंड फ्रॉम अ साइनोसॉइडल इनपुट कैन बी इम्प्रूव्ड 100% यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में जो सिस्टम रहेगा, यहाँ 4 रेक्टिफायर डायोड हैं, D1, D2, D3, D4। इनका अरेंजमेंट कुछ ऐसे तरीके से किया है। यहाँ पर लोड कनेक्ट है, हम यहाँ पर AC इनपुट सिग्नल, साइनोसॉइडल सिग्नल देते हैं AC, जो कि कन्वर्ट करेंगे हम DC सिग्नल में। ये सर्किट कैसे काम करता है हम देखते हैं। तो जो इनपुट सिग्नल है, साइनोसॉइडल सिग्नल 0 to TY2, यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, और TY2 से T तक ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो ये इसका मैग्नीट्यूड है, और ये कंप्लीट एक साइकिल होता है, 0 से T तक एक कंप्लीट साइकिल होता है। यहाँ पर मैंने एक सर्किट बनाया हुआ है, जो कि पहला केस हमने लिया है 0 से TY2 तक, जो कि पॉजिटिव हाफ साइकिल है, वो हम इस सर्किट में इनपुट देंगे। तो जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट देंगे, तो डायोड D2 एंड D3 फॉरवर्ड बायस रहेंगे, फॉरवर्ड कंडीशन में रहेंगे, ऑन रहेंगे, और D1 एंड D4 डायोड ऑफ रहेंगे। तो इस सर्किट में करंट डायरेक्शन इस तरीके से होगा, ये लोड के पॉजिटिव से इंटर करेगा, नेगेटिव जाएगा, इस डायोड में से निकलते हुए करंट, ये करंट डायोड करंट का डायरेक्शन रहेगा इस सर्किट में। तो जो आउटपुट आएगा वो हाफ साइकिल आएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा आउटपुट। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल इस तरीके का रहेगा, ये BM 0 TY2। ये जो आउटपुट है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का आउटपुट आया है, और हमको इसमें DC में कन्वर्ट करना है। हमें 100% DC चाहिए, तो हम नेक्स्ट हाफ साइकिल भी चला, हम चाहते हैं कि हमारा जो सिग्नल है, जो इनपुट सिग्नल हमने दिया है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, कंप्लीट साइकिल, यहाँ पर हमको जो रिजल्ट मिले, कंप्लीट दोनों हाफ साइकिल हमारे आना चाहिए, जिससे कि हम कंप्लीट DC ले सकें। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने नेगेटिव साइकिल लिया है। अब इनपुट का, यहाँ पर इनपुट का नेगेटिव साइकिल इनपुट देंगे, तो जो नेगेटिव साइकिल है वो T2 to T, यानी T2 से T तक जो नेगेटिव हाफ साइकिल रहा, वो सर्किट में एज अ इनपुट जाएगा। अब इनपुट हुआ तो जो पोलैरिटी हुई इनपुट की, वो चेंज हो जाएगी। प्रीवियस सर्किट में यहाँ पर प्लस था, यहाँ माइनस था, इस सर्किट में यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। तो इस सर्किट में आप देखेंगे जो करंट का डायरेक्शन होगा वो इस तरीके से होगा। ये डायोड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डायोड D4, डायोड D1 एंड ये डायोड D2 है, डायोड D3 है। यहाँ पर डायोड D2 एंड D3 ऑफ रहेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, D4 एंड D1 ऑन रहेंगे। तो जो करंट का डायरेक्शन है यहाँ पर इस तरीके का होगा, ये करंट डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो करंट है दोनों केस में, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, दोनों केस में करंट लोड में प्लस से माइनस की तरफ जाएगा। तो जो हमारा आउटपुट आएगा, जो आउटपुट रहेगा, वो इस तरीके का होगा। ये नेक्स्ट हमारा हाफ साइकिल की वजह से आने वाला T2 से T तक, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल वोल्टेज आएगा। दोनों केस में जब पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया था
और फिर नेगेटिव हाफ साइकिल दिया, दोनों केस में जो करंट डायरेक्शन है लोड का वो प्लस टू माइनस है, इसी वजह से दोनों केस में जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो पॉजिटिव हाफ साइकिल होंगे। मीन्स यहाँ पर ये जो फर्स्ट हाफ साइकिल डॉट डॉट में आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के थ्रू आया रिजल्ट है और ये नेगेटिव हाफ साइकिल के थ्रू आया हुआ रिजल्ट है। तो यहाँ पर हम फाइनल आउटपुट लिखेंगे, तो जो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल से आने वाला रिजल्ट ये था और सेकंड नेगेटिव हाफ साइकिल से आने वाला रिजल्ट ये था। तो यहाँ पर लिख देते हैं 0 T/2 T। अभी डीसी लाइन डीसी लेवल क्या रहेगा, तो वीडीसी हम फाइंड करते हैं। वीडीसी रहेगा जैसे कि हमने हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर में देखा था वीडीसी Vm/Φ होता है। यहां पर दो हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर को मिला के एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर मिला बनाया है, तो यहां पर 2 × Vm/Φ होगा जो कि सॉल्व करने पर आएगा 0.636 Vm। ये यहां पर होगा 0.63 समथिंग, ये Vm है तो 0.636 Vm यहां पे ले लेते हैं हम, ये VDC हो गया 0.636 Vm, ये VDC लेवल हो गया हमारे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का। सो फ्रेंड्स ये तो था ब्रिज रेक्टिफायर का, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का कंसेप्ट, कि यहाँ पे जो हमने साइनोसोडल इनपुट सिग्नल दिया था वो हमको जो डीसी लेवल चाहिए था, प्योर वीडीसी लेवल चाहिए था वो हमको यहाँ पर मिल गया। तो वीडीसी इज इक्वल टू 2 × Vm/Φ। Vm/Φ एक हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट होता है, डीसी लेवल होता है। तो यहाँ पे दो ब्रिज रेक्टिफायर है, हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर है, तो 2 × Vm/Φ तो इक्वल टू हो जाएगा 0.636 Vm। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।